हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। तो श्रीराम एजुकेटर्स के प्लेटफॉर्म पे मैं विकास सिंह आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम का डेरिवेशन। स्टूडेंट, क्लास 11 के लिए हमने एक स्पेशल प्लेलिस्ट तैयार किया जिसके अंदर सारे क्लास 11 के डेरिवेशन हम लोग का कंप्लीट कर रहे हैं। तो उसमें आप देख रहे हैं ये डेरिवेशन नंबर 8 है, एक जगह पे आपको सारे डेरिवेशन मिल जाएंगे क्लास 11 के लिए। और स्टूडेंट, जो भी मैं यहां पे लिखूंगा इसको आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन से आप उस पीडीएफ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अपने इस डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम देखते हैं कि जब f की वैल्यू कांस्टेंट हो उस समय कैसे डेरिवेशन होगा, यानी जो नेट फोर्स निकल के आ रहा है वो जब कांस्टेंट है उस समय डेरिवेशन कैसे होगा स्टूडेंट। तो जब नेट फोर्स कांस्टेंट है उस समय पे एक्सेलेरेशन भी कांस्टेंट होगा। तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगा स्टूडेंट, तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन एक जानते हैं, v² = u² - u² = 2as, ठीक है ना। तो इसमें बस ये बहुत सिंपल है, फिर हम लोग वेरिएबल वाला देखेंगे। हाफ एम से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, और हाफ एम से यहां मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो हाफ से हाफ कैंसिल, टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 1/2 नीचे ऊपर, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा MAS। तो स्टूडेंट MA को क्या लिख सकते हैं, MA को लिख सकते हैं आप F। तो हाफ एम वी स्क्वायर क्या है स्टूडेंट, आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम यू स्क्वायर क्या है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और ये किसके इक्वल है, MA जो होता है स्टूडेंट वो नेट फोर्स होता है, MA नेट फोर्स होता है। तो ये F नेट इंटू एस के इक्वल आ जाएगा, F नेट इंटू एस के। तो स्टूडेंट क्योंकि ये नेट फोर्स है तो इसने जो वर्क डन निकाला है वो नेट वर्क डन कहा जाएगा। इसी से हमने देखा कि वर्क एनर्जी थ्योरम जो कहता है डेल्टा के इक्वल टू डब्ल्यू नेट, हमने प्रूव कर लिया, ठीक है ना। तो ये तो बात कब की है स्टूडेंट, जब आपके फोर्सेस क्या है कांस्टेंट है। अब हम देख रहे हैं कि जब फोर्स नेट फोर्स आपका वेरिएबल हो उस समय आप कैसे इसके डेरिवेशन को करेंगे। तो अभी इसमें दूसरा केस कि एफ नेट क्या है, अभी वेरिएबल है। अगर एफ नेट वेरिएबल है तो इक्वेशन ऑफ मोशन यहां वैलिड नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन तभी वैलिड होता है जब एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट हो। तो अगर इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड नहीं होगा तो आप काइनेटिक एनर्जी को ले लीजिए, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, इसको स्टूडेंट आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो एक्स के रिस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो होगा डी के बाई डी एक्स, और यहाँ पे स्टूडेंट हाफ एम कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, और यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वी स्क्वायर। तो स्टूडेंट अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करें तो डी के बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, डिफरेंशिएशन कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, 2v होगा। फिर चेन रूल लगाइए, ये होगा डीवी बाई डी एक्स, 2v डीवी बाई डी एक्स, क्योंकि वेरिएबल कोई और है ना, यहाँ v का इंटीग्रेशन करें लेकिन फंक्शन नीचे किसका है x का, तो डीवी बाई डी एक्स भी आएगा। स्टूडेंट इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दीजिए, तो डी के बाई डी एक्स आपके किसके इक्वल आएगा, डी के बाई डी एक्स आ जाएगा एम इंटू वी डीवी बाई डी एक्स के इक्वल, एम इंटू वी डीवी बाई डी एक्स के इक्वल। अब स्टूडेंट जितने बच्चों को डेरिवेशन पता होगा सेकंड, उसमें हमने बताया था वी डीवी बाई डी एक्स किसके इक्वल होता है, वी डीवी बाई डी एक्स इक्वल होता है एक्सेलरेशन के। तो स्टूडेंट यहां से आपको मिल जाएगा डी के बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम इंटू ए। अब बताइए एम इंटू ए किसके इक्वल, एम ए किसके इक्वल होगा एफ नेट के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए स्टूडेंट। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी के बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू एफ नेट आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, डी के बराबर कितना होएगा एफनेट इंटू डी एक्स, एफनेट इंटू डी एक्स, ठीक है एफनेट इंटू डी एक्स, ठीक है स्टूडेंट। आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, अगर आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो डी के का इंटीग्रेशन कितना आएगा, डी के का स्टूडेंट आ जाएगा इंटीग्रेशन डेल्टा के, क्योंकि यहाँ पे के आई से लेके के एफ तक लिमिट लगा दीजिए और यहाँ जीरो से लेके एक्स तक लगा दीजिए। तो आपको ये कितना देगा, ये वर्क डन देगा जीरो से एक्स में, और ये क्या देगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से आपको फिर से वही डेरिवेशन आ रहा है डी के इक्वल टू डब्ल्यू नेट, ठीक है ना। जो डेरिवेशन हमने वहां किया था वही सेम डेरिवेशन यहाँ पे आ रहा है। तो स्टूडेंट बस ये छोटा सा डेरिवेशन है, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही चीजों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।